नमस्कार, जय जगन्नाथ। मु कमलाकांत आपण मानक वेलकम करुचि नुआ गोटे भिडियो को। आशा करुचि आपण माने खूब भलरे थिबे, मु भी खूब भलरे अछि जगन्नाथक कृपारु। फ्रेंड्स, मु आज गोटे नुआ भिडियो आपण मानक पई रेडी करिछि। चलंतु भिडियो टी देखिबा। ता पूर्वरु जो माने मो चैनल को नुआ विजिट करुचंती, प्लीज सब्सक्राइब करनियंतु, ऑल नोटिफिकेशन बटन को ऑन कर दियंतु। जेते बेले भी वीडियो मु अपलोड करी आपण मानक पाखो को नोटिफिकेशन जीवो, आपण माने वीडियो रो आनंद नहीं परिबे। चलंतु ताले लेट करिवानी, वीडियो टी स्टार्ट करिवा। अनेक लोक अंडा खाइबा को पसंद करंती, अंडा भुजिया हेउ किंबा अंडा आमलेट, ना सुनिले आपण को पाटी रे पानी आसी जीवो। किंतु जेते बेले अंडा सिजेइबा कथा आसे, अनेक थर आम एक समस्या रे सम्मुखीन होता। जेतेबेले अंडा फुटाई थाउ, सेतेबेले अंडार धलांश फाटी जाए, फलस्वरूप आपण आउ सेही अंडा खाइबा को पसंद करंती नाही। अंडा को सिझेला बेले साधारण तापमात्रा गुरुत्वपूर्ण। अनेक लोक फ्रिज रु सीधा अंडा बाहर करी सिझांती, एहा हेउची सबुठारु बड़ भूल। अंडा को रांधिबा पूर्वरु फ्रिज रु बाहर करंतु, तेणु यह साधारण कोठरी तापमात्रा रे आसे, नचेत फ्रिज रु सीधा सळक अंडा को फुटुथिबा पानी रे पकाइले सेगुडी को फाटी जाए। अंडा रांधिबा बेले गोटिए थर रे अधिक अंडा नियंतु नाही। वास्तव रे पानी फुटिबा समय रे गोटिए अंडा अन्य अंडा सह बाजी थाए, तेणु जदि आपण एक छोटो हांडी व्यवहार करंती, तेबे यह तीनोटी नचे चारोटी अंडारु अधिक अंडा सिझांतु नाही। अधिक अंडा सिझाइबा पई एक बड़ पात्र व्यवहार करंतु। भिनेगार यह हेउची सबुठारु प्रभावशाली पद्धति, एथिपई पात्र को पानी रे भरंतु, अंडा को यथासंभव फुटांतु, पानी रे एक चमच भिनेगार मिसांतु। अंडा सिझाइबा पई सठिक उपाय, अधा पात्र पानी नियंतु, लुण किंबा भिनेगार पकाई फुटांतु। वर्तमान कोठरी तापमात्रा रे अंडा को फुटुथिपा तापमात्रा रे अंडा को धीरे धीरे छाड़ंतु। एहा परे पात्र रे ढांकुणी दियंतु, ताहा परे 10-15 मिनिट जाए छाड़ी दियंतु। फुटाइबा समय रे मध्यम आंच रखंतु। सिझिबा परे अंडा को थंडा पानी भर्ती एक पात्र रे 3-4 मिनिट पर्यंत रखंतु, देखिबे गोटिए अंडा भांगिबो नाही। भिडियोटी तो देखिले, भिडियोटी केमिति लागिला कमेंट करी मते जणैबे। आशा करूची भिडियोटी खूब भलो लागिथिबो, जदि भलो लागिथिबो प्यारासा कमेंट ते देबे। चलंतु ताले भिडियोटी एइठे एंड करिबा, पुणि देखा हबो नुवा गोटिए भिडियो रे। सेते जाय मते विदाय दियंतु। जय जगन्नाथ।